स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल एट होम। टुडे आई टीच यू क्लास 9 मैथमेटिक्स, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स आपको पता ही है, इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप एंड पैटर्न। व्हाट इज ज्योमेट्री? किसी भी चीज़ की आप अगर बेसिक से जीरो से डिफिनीशन शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। व्हाट इज ज्योमेट्री? द वर्ड ज्योमेट्री ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो विच मीन्स अर्थ एंड मेट्रियन मीन्स मेजर। ज्योमेट्री फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड जियो अर्थ मेट्री मेजरमेंट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विद क्वेश्चन ऑफ शेप साइज रिलेटिव पोजिशन ऑफ फिगर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप एंड मैथमेटिशियन हु works in the field of geometry is called geometer. In the short, you know geometry is a branch of science which is study with question of shape, size and relative position of figure. Euclid geometry. Euclidean geometry, the study of plane and solid figure on the basis of exemption theorem employed by the Greek mathematician Euclid 300 BC in the rough outline. Euclid geometry, जैसे चैप्टर का नाम ही है तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, हु वॉज यूक्लिड? कौन थी यूक्लिड? यूक्लिड समटाइम्स कॉल्ड यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रा टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम हिम फ्रॉम यूक्लिड ऑफ मेगरा वॉज ए ग्रीक मैथमेटिशियन ऑफन रिफर टू द फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री और फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये यूक्लिड, दो यूक्लिड हैं, लेकिन जिस यूक्लिड की यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो ग्रीक के थे। इनका फिगर भी है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है फिगर। ऑल्दो यूक्लिड इज ए फेमस मैथमेटिशियन, वेरी लिटिल इज नोन अबाउट हिज लाइफ। कहा जा रहा है कि यूक्लिड बहुत महान मैथमेटिशियन थे, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी हम लोगों के पास है। इट बिलीव दैट ही स्टडी स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, या प्लेटो के शिष्य थे। यूक्लिड वॉज बॉर्न अराउंड 365 BC इन अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट एंड लिव्ड विद अंटिल 300 BC। यूक्लिड मोस्ट फेमस वर्क इन हिज कलेक्शन ऑफ 13 बुक्स डीलिंग विद ज्योमेट्री कॉल्ड द एलिमेंट। उनकी सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी है कि उन्होंने द एलिमेंट नाम से एक बुक लिखी जो 13 बुक का कलेक्शन है। एक बार फिर बता दें, यूक्लिड इजिप्ट के रहने वाले थे 365 to 300 BC। क्लास 9 मैथमेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 10। ज्योमेट्री पास्टुलेट्स एंड एजम्स, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फ्रॉम ग्रांटेड विदाउट प्रूफ एंड विच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पास्टुलेट। वो चीज़ें जिन्हें बिना प्रूफ के हम मान लेते हैं और उनका रिलेशन ज्योमेट्री से होता है, उसको पास्टुलेट्स कहते हैं। द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ एंड विच आर यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आर कॉल्ड एजम्स। वो स्टेटमेंट जो बिना प्रूफ के मान ले जाते हैं और जिनका रिलेशन मैथमेटिक्स से होता है, मतलब उसको किसी भी ब्रांच में हम यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स के, उसे हम एजम्स कहते हैं। और पास्टुलेट को सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट को पास्टुलेट्स कहते हैं। थ्योरम, पहले पास्टुलेट और एजम्स दोनों चीज़ों को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या उनका प्रूफ होता नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल से काम चलता है। बट थ्योरम, द कंक्लूजन ऑब्टेंड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट एंड सेम एजम्स कंस्टिट्यूट ए स्टेटमेंट नोन एज ए थ्योरम आर प्रोपोजिशन। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, पॉइंट यू नो बिफोर, व्हाट इज पॉइंट? ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए फाइन डॉट मेड बाई ए शार्प पेंसिल ऑन द सीट। यू कैन लर्न दैट ए पॉइंट हैज नो ब्रेथ, नो लेंथ, नो हाइट। प्लेन, द सर्फेस ऑफ ए स्मूथ वॉल आर द सर्फेस ऑफ ए सीट ऑफ पेपर आर ए सर्फेस ऑफ ए स्मूथ ब्लैक बोर्ड आर ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। लाइन, ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, फॉर इफ वी फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर द क्रीज इन द पेपर रिप्रेजेंट ए ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन। अगर पेपर को हम बीच में से मोड़ देते हैं
तो वो जो एक धारी बनती है वही स्ट्रेट लाइन का एक सबसे सिंपल एग्जांपल है। इंसिडेंस एग्जाम्स, ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, किसी लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। एग्जाम्स टू, थ्रू ए गिवन पॉइंट्स इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू, किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइन खींचे जा सकते हैं। एग्जाम्स थ्री, इन ए गिवन टू पॉइंट्स ए एंड बी देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन दैट कंटेन्स बाद द पॉइंट, किसी दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है। कोलिनियर पॉइंट, जैसा कि नाम से ही पता है, थ्री आर मोर पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ देयर इज ए लाइन व्हिच कंटेन्स ऑल ऑफ देम। कॉन्ग्रुएंट लाइन, थ्री आर मोर लाइन आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर इज ए पॉइंट व्हिच लाइज ऑल ऑफ देम, अगर तीन या तीन से अधिक लाइनों का कोई एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वे कॉन्ग्रुएंट लाइन कहलाते हैं। सिमिलरली यू कैन नो बिफोर, इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन्स व्हिच मीट एट वन पॉइंट आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन, द कॉमन पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन सेगमेंट एडिशन एजम, इफ सी इज एनी इंटीरियर पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट ए बी देन ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। यूक्लिड फाइव पासुलेट, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूक्लिड फाइव पासुलेट्स। फर्स्ट, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, जैसा कि अभी शुरुआत में बताया गया था, वही चीज़ यूक्लिड ने भी अपने पासुलेट में ऐड किया है कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर लाइन खींचा जा सकता है। द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली, अगर कोई एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है तो उसको हम दोनों तरफ इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। थर्ड, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी सेंटर और रेडियस को लेकर हम सर्किल खींच सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, यू नो राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को, अगर दो बच्चे या 10 बच्चे 90 डिग्री का एंगल सही सही बनाएं तो सब सेम होंगे। फिफ्थ पासुलेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री, फिफ्थ पासुलेट पर अलग से क्वेश्चन आते हैं। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनफाइनेटली मीट ऑन द साइड विच इज एंगल्स आर लेस टू राइट एंगल। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, अगर दो लाइन के ऊपर एक तीसरी लाइन आ रही है तो एक तरफ के इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर अगर जिस तरफ 180 डिग्री से कम एंगल बनेगा लाइनें उस तरफ जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। सम यूक्लिड एजम्स, एजम्स और पासुलेट में एक बार फिर अंतर बता दें, पासुलेट का रिलेशन ओनली ज्योमेट्री से होता है और एजम्स का रिलेशन पूरे मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच से हो सकता है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी इक्वल होंगे, इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, अगर दो तरफ सेम नंबर ऐड किया जाए तो सेम होंगे। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कोई पूरी चीज़ है वो हमेशा अपने हिस्सेदार से बड़ी होती है। ए सिस्टम ऑफ एग्जाम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एग्जाम्स ए स्टेटमेंट दैट कंट्राडिक्ट्स एनी एग्जाम्स आर प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, अगर कोई एग्जाम्स किसी पहले से प्रूफ एग्जाम्स या थ्योरम का अपोजिशन करती है, रजिस्ट करती है, उसके विरोध में जाती है, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। ए सिस्टम ऑफ एग्जाम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एग्जाम्स ए स्टेटमेंट दैट कंट्राडिक्ट्स एनी एग्जाम्स आर प्रीवियस प्रूव्ड स्टेटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर दिस वीडियो एंड अगेन थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे इस वीडियो का अगला पार्ट आपको आसानी से मिल सके।
थैंक यू अगेन, थैंक यू।